नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम सपोर्ट पॉइंट चैनल पे। आज हम बात करने वाले एक अर्निंग एप्लीकेशन के बारे में जिसका नाम है ग्रोमो ऐप। ग्रोमो ऐप क्या है और कैसे इस पे वर्क करते, किस प्रकार से इस पे अर्निंग की जाती है, किस प्रकार से साइन अप कर सकते हैं, कैसे इस पे कंप्लीट केवाईसी की जाती है, सारा प्रोसेस इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले। तो सबसे पहले दोस्तों बताना चाहूँगा ग्रोमो ऐप क्या है। ग्रोमो ऐप में फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं, किस प्रकार के प्रोडक्ट होते हैं और किस प्रकार से उनको यूज किया जाता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ। साइनअप करने बाद आपको ग्रोमो ऐप में सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट, इंश्योरेंस, क्रेडिट, पे लेटर, लोन इत्यादि इस प्रकार से आपको यहाँ पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखने को मिलते हैं। इनको प्रमोट करके आप यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हो। इनको प्रमोट कैसे किया जाता है और किस प्रकार से यहाँ पे अर्निंग होती है वो आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। ग्रोमो ऐप के माध्यम से आप यहाँ पे दो प्रकार से इनकम कर सकते हो। किस प्रकार से आप दो प्रकार से इनकम कर सकते हो वो आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट इनकम आपको यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन में जो भी प्रोडक्ट दिए जाते हैं उनको प्रमोट करके आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। सेकंड रहता है रेफर अर्न का प्रोग्राम, रेफर अर्न करके भी आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। इस प्रकार से आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। डायरेक्ट इनकम ये रहते कि आप जो भी प्रोडक्ट प्रमोट करते हो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होगी। सेकंड होगी जो रेफर अर्न करके जो भी अर्निंग होती है। अगर आप ग्रोमो एप्लीकेशन का डाउनलोड लिंक आप अपने फ्रेंड या रिश्तेदार को शेयर करते तो आपको यहाँ पे 350 रुपीज मिल जाती है। अगर दोस्तों आपका जो रिश्तेदार या फ्रेंड है जो आपकी रेफरल लिंक के द्वारा डाउनलोड करके ग्रोमो ऐप यूज करता है तो उसका जो कमीशन होता है, जो भी वो इनकम करता है उसका 5% कमीशन आपको ग्रोमो वॉलेट में देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार बहुत ही ज्यादा ट्रस्टेड एप्लीकेशन आपके सामने लेकर आए, इसके माध्यम से आप यहाँ पे ऑनलाइन इनकम कर सकते हो। आज हम बात करेंगे इसके साइनअप प्रोसेस केवाईसी के बारे में। तो गाइज आज हम स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से साइनअप करते हैं और कैसे केवाईसी की जाती है, कैसे इस पे वर्क किया जाता है। इसका डाउनलोड लिंक आपको हमारी वीडियो में आई बटन देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप हमारी वीडियो के आई बटन में दी गई लिंक पे क्लिक करते हो आप यहाँ पे प्ले स्टोर की ऑफिशियल वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिए जाओगे। प्ले स्टोर पे आने वाला आपको यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। ग्रोमो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ग्रोमो एप्लीकेशन को ओपन करने बाद आपको यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना रहता है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट परिप्रेड लैंग्वेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी रहती है। जो भी आप लैंग्वेज यूज करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन का, उस लैंग्वेज पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। लैंग्वेज सेलेक्ट करने बाद नीचे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन शो करता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको क्या सर्विस देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर देखने को मिल जाते हैं। कितने प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, 40 प्रोडक्ट इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलेंगे। उनको प्रमोट करके आपको यहाँ पे इनकम करनी रहती है। उसके बाद में एवरी मंथ आप यहाँ पे 50,000 अर्निंग कर सकते हो एंड रेफर अर्न करके भी आप यहाँ पे इनकम कर सकते हो। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है दोस्तों। ग्रोमो ऐप के कितने पार्टनर हो चुके वो भी आप यहाँ पे जान सकते हो एंड इसके कितने ट्रस्टेड पार्टनर है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रकार से दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद आपको यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे टैप करते हो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको साइन अप न्यू लॉगिन का ऑप्शन शो करेगा, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको एंटर द मोबाइल नंबर, आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना रहता है। तो सबसे पहले आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर एंटर करने में आपको साइड एरो का ऑप्शन शो करेगा राइट साइड में, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। राइट साइड के एरो पे क्लिक करते हो, कुछ टाइम लोडिंग चलता है, उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको 6 डिजिट के OTP जाते हैं वेरिफिकेशन करना रहता है, ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद में आपका यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करनी रहती है। सबसे पहले आपको अपना फुल नेम एंटर करना रहता है, उसके बाद में नीचे आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देना है। उसके नीचे आपको अपना ऑक्यूपेशन सेलेक्ट करना रहता है, क्या वर्क करते हो वो आपको सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको रेफरल कोड का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे रेफरल कोड एंटर करना रहता है। रेफरल कोड आपको हमारी वीडियो के आई बटन में देखने को मिल जाएगा एंड आपको मोबाइल की स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा, वो रेफरल कोड आपको यहाँ पे एंटर कर देना है।
उसके बाद में नीचे आपको रिवर्स अपडेट का ऑप्शन शो करता है, यानी आप ग्रोमो ऐप की अपडेट अगर अपने व्हाट्सएप पे लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आइकन के ऑप्शन पे टैप कर देना, अगर नहीं लेना चाहते तो इसको आप अनक्लिक कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको इसकी टर्म्स कंडीशन देखने को मिलते हैं, इनको आपको फॉलो करना रहता है। इसकी टर्म्स कंडीशन क्या रहती है वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बेसिक प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी रहती है, जो भी इन्फॉर्मेशन रहती है वो आपको यहाँ पे ऐड कर देना। उसके बाद में नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन शो करेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। इस प्रकार से आपका यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपका अपना नेम देखने मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पे थ्री लाइन का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे थ्री लाइन के ऑप्शन पे टैप कर देना है। थ्री लाइन के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करते हो सबसे पहले आपका जो भी नेम होगा वो शो करेगा, उसके नीचे आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वो देखने को मिलेगा, उसके नीचे आपको एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे टैप करना रहता है। एडिट प्रोफाइल के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करते हो आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी रहती है जो आपने कंप्लीट नहीं की है। जैसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है तो आपको यहाँ पे राइट का एरो ग्रीन हो जाएगा। इस प्रकार से आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करनी रहती है। सबसे पहले आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट कर दी थी, उसके बाद नीचे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना रहता है, तो आपको यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस के ऑप्शन पे यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे आप राइट एरो पे क्लिक करते हो आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपका जो भी एड्रेस है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना। सबसे पहले आपको एड्रेस लाइन फर्स्ट, एड्रेस लाइन सेकंड, एड्रेस लाइन थ्री, उसके नीचे आपको सिटी, उसके नीचे आपको पिन कोड, इस प्रकार से आपको कम्युनिकेशन एड्रेस आपको एंटर करना रहता है। एड्रेस इंटर करने में नीचे आपको सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप कम्युनिकेशन एड्रेस कंप्लीट करते हो आपका यहाँ पे राइट एरो ग्रीन हो जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको नीचे भी आपको आइडेंटिटी डिटेल्स का ऑप्शन शो करेगा, इस पर भी आपको क्लिक करके आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। आइडेंटिटी डिटेल्स में आपको अपना सबसे पहले आपका आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड कर देना है। आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट हैज बीन अपलोड सक्सेसफुली। यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड का फ्रंट पेज अपलोड हो चुका सक्सेसफुली, इस प्रकार से आपको एक बार देख लेना है। उसके बाद नीचे आपको आधार बैग, अपने आधार कार्ड का बैक साइड फोटो अपलोड कर देना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पे दोनों साइड से अपना आधार कार्ड अपलोड कर देना है। उसके बाद में नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। यहाँ पर टैप करने के बाद आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर करनी रहती है, जिस बैंक में आप यहाँ से पेमेंट लेना चाहता है, ग्रोमो ऐप से जो भी इनकम करते हो वो पेमेंट आप किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं वो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अकाउंट नंबर एंटर करने में नीचे आपको आईएफएससी कोड एंटर करना है।
उसके बाद में नीचे आपको पेन नंबर, जो आपका पेन कार्ड नंबर है वो आपको एक बार इंटर कर देना है। पेन कार्ड नंबर इंटर करने में नीचे आपको एनुअल इनकम, जो भी आपकी एनुअल इनकम रहती है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है, यहाँ पे एरो के ऑप्शन पे टैप करके। जैसे आप एरो के ऑप्शन पे टैप करते हो आपको अभी एनुअल इनकम शो करते हैं, 0 से 2 लाख, 2 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, उसके बाद नीचे आपको 10 लाख प्लस में जो भी आपकी इनकम है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इनकम सेलेक्ट करने में नीचे आपको डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की ओर स्क्रॉल करना रहता है, यहाँ पे आपको पिन कोड का ऑप्शन शो करता है, एक बार फिर से आपको अपना पिन कोड आपको यहाँ पे एंट्री कर देना है। पिन कोड नंबर एंटर करने में नीचे आपको वेरीफाई का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे वेरीफाई के ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप वेरीफाई के ऑप्शन पे टैप करते हो आपका कुछ टाइम प्रोसेसिंग में चलेगा और आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट सक्सेसफुल वेरीफाई हो जाता है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हो, योर अकाउंट डिटेल्स आर वेरीफाइड, कम्प्लीटली आपकी जो बैंक डिटेल है वेरीफाइड हो चुकी है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ पे होम पेज का ऑप्शन शो करता है, आपको यहाँ पे होम पेज के ऑप्शन पे टैप कर देना है। इस प्रकार से आपको अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी रहती है, कंप्लीट केवाईसी करनी रहती है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे कंप्लीट केवाईसी कर सकते हो। उसके बाद में आपको होम पेज पे आते हो तो इसके क्या क्या कैटेगरी है, किस प्रकार के प्रोडक्ट है वो आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट का ऑप्शन शो करता है, यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपको डीमैट अकाउंट, उसके बाद में डिजिटल गोल्ड, इस प्रकार से आप यहाँ पे स्लाइड करके आप यहाँ पे सारे कैटेगरी देख सकते हो, यहाँ पे आपको सारी कैटेगरी देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, अप स्टॉक, कोटक, जेस्ट, एक्सिस बैंक, इस प्रकार से आपको यहाँ पे प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। इनको आपको किस प्रकार से प्रमोट करना रहता है वो भी आप जान लीजिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना रहता है उस पर आपको यहाँ पे टैप कर देना है। जैसे अप स्टॉक का ऑप्शन शो करता है, यहाँ पे आपको अप स्टॉक के ऑप्शन, जेस्ट मनी और भी बहुत सारी है, जिसको भी आप प्रमोट करना चाहते हो उसके ऑप्शन पे आपको टैप कर देना है। जो भी आपको यहाँ पे अर्निंग शो करती है वो अर्निंग आपकी सक्सेसफुल प्रमोट होने के बाद में आपको अपनी ग्रो वॉलेट में देखने को मिल जाती है। सबसे पहले आपको अप स्टॉक के ऑप्शन पे टैप कर देना है। जैसे आप अप स्टॉक के ऑप्शन पे टैप करते हो तो अप स्टॉक डीमैट अकाउंट है, इसकी रेफर लिंक कैसे शेयर करनी रहती है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इस पर आप जैसे टैप करते हो आपको यहाँ पे सबसे पहले इसके बेनिफिट क्या रहते हैं, क्या इसका अकाउंट ओपनिंग चार्ज रहता है, किस प्रकार से मल्टीपल इन्वेस्टमेंट करना रहता है, किस प्रकार से अकाउंट ओपन करना रहता है, तो यहाँ पे आपको एक ट्रेनिंग का ऑप्शन शो करता है। आपको यहाँ पे ट्रेनिंग के ऑप्शन पे टैप करके इसका जो वीडियो आप देख सकते हो और यहाँ पे इनकम प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका वीडियो देखने को मिल जाएगा, इस वीडियो को देखकर आप अप स्टॉक का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। एंड आप अप स्टॉक का अकाउंट ओपन करते हो आपको हमारे वीडियो के आई बटन में अप स्टॉक का ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। एंड यहाँ पे वीडियो प्रोसेस देखने के बाद में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना, इसकी क्या टर्म्स कंडीशन रहती है, कैसे वर्क करता है वो आपको यहाँ पे चेकआउट करने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको टर्म्स कंडीशन चेकआउट करने के बाद में रेफरन करना रहता है, तो रेफरन करने के लिए आपको अभी नीचे शेयर का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे टैप करते हो आपको प्लाइंग इन द सेकंड का ऑप्शन शो करे, यहाँ पे आपको इसका वीडियो देखने को मिलेगा किस प्रकार से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। जो भी आप प्रोडक्ट सेल करोगे उसका वीडियो सबसे पहले एक बार आपको देखना रहता है, उसके बाद में आप यहाँ से रेफरल लिंक आप अपनी शेयर कर सकते हो। तो इस प्रकार से इन प्रोडक्ट को आपको प्रमोट करना रहता है, प्रमोट करके आप यहाँ पे इनकम प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएगी, में जो भी कैटेगरी आपको अच्छी लगे उस पर आप वर्क कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको हाउ टू यूज ग्रोमो ऐप, आपको यहाँ पे ग्रोमो ऐप कैसे यूज किया जाता है वो भी आप यहाँ पे वीडियो वॉच कर सकते हो, इसकी लाइव ट्रेनिंग चलती है वो भी ले सकते हो। तो इस प्रकार से आपको ग्रोमो ऐप की सारी सर्विस आपको मिलने वाली है। उसके बाद नीचे की ओर स्क्रॉल करते तो आपको यहाँ पे माय टूल्स के ऑप्शन में बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका विजिटिंग कार्ड का रहता है,
अगर आप मार्केट या फील्ड में अगर वर्क करते हो तो आपके पास अपना विजिटिंग कार्ड होना कंपलसरी रहता है। अगर आप विजिटिंग कार्ड नहीं रखते हो तो कोई भी आप पे ब्लेम लगा सकते हैं कि आप फ्रॉड हो, क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं रहता तो आप अपना प्रूफ नहीं दे सकते उनको। इस प्रकार से आपको अपना विजिटिंग कार्ड आपको ऐसे डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपको विजिटिंग कार्ड के ऑप्शन पे टैप कर देना। जैसे आप विजिटिंग कार्ड के ऑप्शन पे टैप करते हो तो आपको अपना विजिटिंग कार्ड आपको आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर शो कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रोमो ऐप के फाइनेंशियल एडवाइजर आप बन चुके हो। इस प्रकार से आप अपना विजिटिंग कार्ड आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे बैक पेज पे आ जाना है। बैक पेज पे आने बाद में आपको यहाँ पे रेफर अर्न प्रोग्राम भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको रेफर अर्न प्रोग्राम के ऑप्शन पे टैप करना रहता है। रेफर अर्न प्रोग्राम कैसे रहता है, किस प्रकार से रेफर अर्न किया जाता है, वो भी आप जान लीजिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे शो कर रेफर अर्न अर्न 5% फॉर लाइफ टाइम। अगर आप किसी भी फ्रेंड या रिश्तेदार को अपनी रेफरल लिंक शेयर करते हो ग्रोमो ऐप की, तो आपको यहाँ पे लाइफ टाइम 5% कमीशन आपको यहाँ पे ग्रोमो ऐप की वॉलेट में देखने को मिलता है। तो यहाँ से आपको रेफरल लिंक का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पर आप शेयर के ऑप्शन पे टैप करके आप फ्रेंड या रिश्तेदार कहीं भी आप अपनी रेफरल लिंक शेयर कर सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे रेफरल कोड का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पर आपको अपना रेफरल कोड भी आप देख सकते हो। उसके बाद में आपको यहाँ पे सी माई रेफरल नेटवर्क का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे आपको अपनी जो भी फ्रेंड को आपने रेफरल लिंक शेयर किया है, फ्रेंड के माध्यम से ग्रोमो ऐप इंस्टॉल किया है, उनका नाम आपको यहाँ पे रेफरल नेटवर्क के ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रेफरल नेटवर्क के ऑप्शन पे टैप करते हो, उनका नाम, उसने कितनी अर्निंग की है, वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इस प्रकार से यहाँ पे आपको चेकआउट करने को मिल जाएगी उनकी डिटेल्स। इस प्रकार से आप अपने रेफरल मेंबर भी चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको वेबिनार्स का ऑप्शन शो करता है, उनकी ट्रेनिंग आप यहाँ पे लाइव देख सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे ट्रेनिंग लेके आप यहाँ पे इसके बारे में अधिक जान सकते हैं एंड आपको बहुत सारे इसमें फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको नीचे लीड का ऑप्शन शो करता है। लीड के ऑप्शन पे जैसे आप टैप करते हो, जो भी आपने अकाउंट ओपन किया उनकी आप लीड यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद में एकेडमी का ऑप्शन शो करता है। यहाँ पे आप एकेडमी के ऑप्शन पे भी टैप करके यहाँ पे देख सकते हो ग्रोमो एकेडमी, इसके बारे में, इसकी क्या इंश्योरेंस रहती है, क्या इसकी पॉलिसी रहती है, वो आप यहाँ पे जान सकते हो। इसकी जो भी न्यू फीचर अपडेट होंगे वो आपको यहाँ पे वेबिनार के ऑप्शन पे, एकेडमी के ऑप्शन पे देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद में अप साइड में आपको वॉलेट का ऑप्शन शो करेगा। यहाँ पे आपको वॉलेट के ऑप्शन पे टैप करना रहता है। जैसे आप वॉलेट के ऑप्शन पे टैप करते हो, आपको यहाँ पे इसके वॉलेट आपका जो भी अमाउंट होगा, आपने जो भी इनकम की है इसके माध्यम से, वो इनकम यहाँ पे टोटल अर्निंग आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हो कितनी अर्निंग आपने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आपको अपनी इनकम देखने को मिल जाएगी। उसके बाद नीचे आपको ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, यहाँ पे आपको पेमेंट कैसे लेना रहता है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, किस प्रकार से आप अपना पेमेंट विड्रॉल ले सकते हो। इस प्रकार से आप यहाँ पे ग्रोमो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे वर्क कर सकते हो। मैंने आपको ग्रोमो ऐप के बारे में जानकारी दी दोस्तों। आपको ये जानकारी कैसे लगी दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको जो भी जानकारी दी है बिल्कुल जेन्युइन जानकारी आपको प्रोवाइड की है। अगर आपको अच्छी लगे तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम एक न्यू वीडियो के साथ में।